हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जो है वो एक लेक है यहाँ पे, कहलाती है रियाद से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर दूर है करारा लेक। पता नहीं कौन सा करारा है, लेकिन दिस लेक कॉल करारा लेक। और ये बेसिकली सहरा के दरमियान जो है ना वो एक बनी हुई है, पानी है नहीं, आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन ये है कि यहाँ पे ठीक ठाक जो लोग बड़ी गाड़ियाँ लेके सैंड में टाइम गुजारे होते हैं, इवन इन द नाइट। मैं जस्ट व्यू देखा हूँ इसका, ऊपर भी लोग शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक जो है तो भाई ये है लेक। ये बेसिकली लेक तो नहीं है, ग्रीनरी ही है यहाँ पे। वहाँ से पानी सारा खुश्क हो गया है। इट्स नॉट अ लेक एनीमोर। प्लान ये है कि मैं उस साइड वहाँ पे ना टॉप पे थोड़ा जाके ज़रा व्यू देखूँ क्या है। सो लेट्स गो। वही तो ये उसके चारों साइडों पे सहरा है और बीच में जो है वो बेसिकली ये बेसिकली लेक थी जो खुश हो चुकी है, यहाँ पे ग्रास उगी हुई है। हाँ जी, एक चाचा बैठे हुए थे बीच में अकेली गाड़ी में, तो उन्होंने कहा भाई अच्छा यहाँ ये बड़ी अच्छी है, बुला लेते। एक ने कहा भाई ये लो पानी ले लो, फिर एक ने कहा आ जाओ हमारे साथ ढाबे में बैठ जाओ। तो ये चीन की ट्रेडिशन है। एनीवेज जस्ट अदर गिव यू अ लुक। मेरा एम ही है कि आई विल गो देयर। फिटनेस लेवल भी एक चढ़ने के लिए आपके पास होना चाहिए। उफ, उफ। यहाँ लोग जो है अपनी बड़ी SUVs लेके भी आए हैं। यानी वह छोटी गाड़ियाँ तो नहीं आ सकती, मैंने अपनी गाड़ी ले लिया था। ऊपर तो आ गया हूँ, लेकिन इससे ऊपर जाने की हिम्मत लग रही है। मैं यहीं पे इत्तेफाक करेंगे। लुक एट दैट व्यू। अगर कैमरे में नजर आ रही है वो सारी गाड़ियाँ।
ये बीच में शबाब मनचले घूम रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं आमिर भाई? मुझे लग रहा है आमिर, मुझे लग रहा है ये वो नहीं है नेचुरल ज्योग्राफिक का मैन वर्सेस वाइल्ड, मुझे वही लग रहा है अभी कोई रेप्टाइल निकल कर आ जाएगा। एनीवेज अगेन इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। अच्छा यहाँ पे जो है ना रियाद में, इसको मैं थोड़ा इस तरह बताऊँ, अच्छा रियाद में ना यहाँ पे कोई सी नहीं है, देर इज़ नो सी, देर इज़ नो रिवर एट ऑल। तो इस तरह की जगह जहाँ पे सी का थोड़ा बहुत भी आता है लेक्स, अच्छा यहाँ पे रियाद में, रियाद के आउटस्कर्ट्स में काफ़ी सारे लेक्स हैं, बर्ड व्यू लेक हो गया, जिस तरह एक और लेक है, इस तरह तीन चार काफ़ी सारे जो है ना वो लेक्स हैं, एंड पीपल यू नो यूज टू गो देयर टू हैव अ फीलिंग ऑफ रिवर। ये मगरिब की अजान यहाँ पे हो रही है, तो प्लान ये है कि थोड़ा यहाँ पे स्टे करके, क्योंकि अभी बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा सहरा में। हालांकि ये लोग रहेंगे अभी यहाँ पे, दे यूज़ टू स्टे लेट नाइट, ठीक है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आए हैं। एनीवेज तो प्लान मेरा ये है कि थोड़े यहाँ स्टे करके, थोड़ी थॉट प्रोसेसिंग करके, फिर जो है मैं इंशाल्लाह निकलूँ वापस मगरिब की नमाज़ वगैरह भी पढ़ के। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।